रो क्यों रहे पहले ये बताइए। मैं पहुंच गया था, मेरे सामने गेट बंद कर दिए, मतलब मेरे को जाने नहीं दिया अंदर। बहुत दिन बाद तो एक भर्ती आता है, एक तो भर्ती निकल नहीं रहा, इतने दिन बाद इतना भर्ती आया, इतना मतलब दिन से आदमी इंतजार किया, तैयारी भी किया, मेरा हो जाता, इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरा। अब माँ बाप को क्या बोलिएगा? वही तो सोच रहे, जाने के बाद भी नहीं, क्या बोले आप? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी आयोग के बाहर आपको लोग दिख रहे होंगे, इनको आज यहां नहीं होना चाहिए था, इनको टीआरई 2.0 का पेपर देना चाहिए था। रो रहे हैं कब से, ये बताइए कि नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है सर। रो क्यों रहे पहले ये बताइए। मैं पहुंच गया था, मेरे सामने गेट बंद कर दिए, मतलब मेरे को जाने नहीं दिया अंदर। गेट बंद कर दिया मेरे सामने। क्यों गेट बंद कर दिया? मतलब आप समय से लेट होंगे? नहीं, एंट्री टाइमिंग का समय क्या था? एंट्री टाइम का 10 से 11। आप हो सकता है 11 बजे के बाद पहुंचे होंगे? नहीं, 11 बजे तक हम पहुंच गए थे, मेरे सामने गेट बंद हुआ और फिर ताला लॉक किए। हम बोले सर जाने दीजिए, गेट खुला ही है अभी, मेरे जाने के 2 मिनट बाद गेट बंद हुआ है। अब रिक्वेस्ट किए, कहाँ से आप आए? बक्सर से आए। बक्सर से आए, सपना था कि शिक्षक बने? जी सपना नहीं, मतलब तैयारी भी था, मतलब अगर 1 घंटा भी हमको देंगे तो हम एग्जाम निकाल लेंगे, इतना है। अभी भी मौका मिलेगा तो? हाँ, हम ये चाहते हैं कि मेरे को मतलब 18 तारीख को जो एग्जाम है उसमें हमको अपेयरिंग मतलब किया जाए, मतलब मौका दिया जाए। क्या करेंगे, रो रहे हैं बहुत, मतलब कि सपना टूट गया क्या? बहुत दिन बाद तो एक भर्ती आता है, एक तो भर्ती निकल नहीं रहा, इतने दिन बाद इतना भर्ती आया, इतना मतलब दिन से आदमी इंतजार किया, तैयारी भी किया, और उसके बाद मतलब नहीं होता है। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान है। किसान? हाँ। आप भी 11 बजे के बाद पहुंचे या 11 बजे के पहले पहुंचे? साथ में पहुंचे सर, हम लोग साथ में पहुंचे। हाँ सर, एग्जाम नहीं देने दिया? नहीं देने दिया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी सर नहीं दिया। हम लोग सर काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन तो एग्जाम के मतलब सेंटर पे सेंटर क्या, कौन सा सेंटर? टीपीएस कॉलेज है। हाँ, वहाँ पे किसी से पूछवा देंगे कि हाँ मतलब मेरे सामने गेट बंद हुआ है और जाने नहीं दिया है लोग। आप बच्चे को लेके आए हैं, अकेले आप पहुँचे? नहीं सर, हस्बैंड को लेके आए हैं। क्या मामला, मतलब कि अभी आप कितने बजे पहुंची? एकदम ऑनेस्ट बताना है। देखिए आप मैडम बनती, शिक्षक शिक्षिका बनती, तो आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, नहीं। ये बताइए कि सच एकदम पहुंचे हैं? 11:05 पहुंचे, लेट हो गई थी 5 मिनट। अब क्या हम लोग चाह रहे हैं कि अगर जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन लोगों को दोबारा मौका मिल रहा है 18 तारीख को, हम लोगों को भी उसी में जोड़ दिया जाता तो बहुत बहुत अच्छा होता है। क्या करिएगा, लेट पहुंची या पहले पहुंची? हम 11:05 पर हम भी पहुंचे वहां पर, और हम लोग सर से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को अंदर घुसाया जाए, लेकिन सर लोग कोई हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, तो हम लोग सर से और सब सचिव सर से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे उस दिन एग्ज़ाम स्टूडेंट के वजह से एग्ज़ाम 2.5 घंटा लेट किया गया था, तब मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग का एग्ज़ाम छूटा है तो हम लोग को अगले एग्ज़ाम जो 18 तारीख है उसमें हम लोग को शामिल किया जाए। आपका अभी लेट पहुँची? हाँ वही 5 मिनट लेट। अब क्या करिएगा, इतने समय से इंतजार करती थी, अब क्या करिएगा? यही रिक्वेस्ट है कि अगले एग्जाम में हम लोग को शामिल किया जाए, अगले एग्जाम में शामिल किया जाए। आप तो समय से पहले पहुंचे थे, ये लोग 5 मिनट लेट पहुंचे थे, समय से पहुंचे थे, आप क्या करिएगा? अब यही चाहते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मेरा एग्जाम लिया जाए फिर से। अच्छा, सोचे थे कि ये सब हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। मैं तो सोचा था कि अब मेरे को मतलब नौकरी मिल जाएगी, इतना मेहनत किए थे, 8-10 घंटा पढ़ाई करते थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8-10 घंटा डेली पढ़ाई करते थे। रो रहे हैं कब से, भावुक होने वाले कि क्या दिल टूट गया, कि सपना टूट गया, कि सब टूट गया? मेरा सब टूट गया, मतलब क्या बोलूं मैं, तो सर सारा डिपेंड इसी पे था सर, हम लोग का मेरा हो जाता, इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरा। अब माँ बाप को क्या बोलिएगा? वही तो सोच रहे हैं सर, सुने तो बहुत बड़ा उनको वही लगा कि जान छूट गया, मतलब क्या बोलिएगा? जाने के बाद भी नहीं, क्या बोले आप? क्या लग रहा है, विभाग जो है, आयोग है? अंकल आए थे, बोल रहे थे कि हम 11:30 बजे तक इन कॉलेज में एंट्री हुआ है, 11:30 बजे हम छोड़ के आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम हर स्कूल कॉलेज में बराबर होना चाहिए, ना कि 11:30 बजे ट्रेन लेट होती है तो 2.5 घंटा का मौका दिया जाता है, और हम लोग पहुँच रहे हैं तो हम लोग को मौका नहीं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं बहुत। समय से पहले पहुंचे, उसके बाद भी घुसने नहीं दिया गया, किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से मांग कर रहे हैं, वो आपने देख लिया नज़ारा है। आखिरी दिन था आज पेपर का, आपको मालूम होना चाहिए टीआरई 2.0 का पेपर नहीं दे पाए लोग, और दर्द क्या होता है वो आप पीछे देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं समय से पहले पहुंचे,
महिला जो थी वो 5 मिनट लेट पहुंची, लेकिन उसके बावजूद इन्हें को घुसने नहीं दिया गया। क्या कुछ मांग था, क्या समय है, वो आप देख सकते हैं। तो बस लाइक जी, साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।